बेटा तुम्हारा शोहर नजर नहीं आ रहा है। ला, वो है ही नहीं तो नजर किधर से आ रहा है उसने? क्या अंकल, वो अपने कमरे में आ रहे हैं। कमरे में क्या कर रहा है अंकल? देखिए, नबील को पता ना चले कि आप उसका इंटरव्यू लेने आए। बेटा तुम फिक्र मत करो, मुझे सिद्दीकी ने सब कुछ बता दिया है। देखो बेटा, अगर नबील समझ में आया तो नौकरी दूंगा, ऐसे नहीं। डन। अच्छा, तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। नबील बेटा कुछ कर। जावेद अंकल आए तुमसे मिलने। अरे कैसे हैं अंकल आप, क्या हाल हो गया आपका? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सबके सामने? चलो अकेले में बात कर लो। अंकल आप क्या पसंद करेंगे खाने में, रशियन या फ्रेंच? हेलो अंकल, खाने में पूछ रही है। इटालियन। तुम चुप रहो, तुम देसी हो। अच्छा, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो आप? मत पूछे अंकल। बताओ यार। एक्चुअली अंकल, मैंने ना एक नई गेम इंस्टॉल कराई है इस मोबाइल में, वो खेल रहा हूँ आजकल। कभी तुम्हें नौकरी की फिक्र नहीं हुई? किसकी नौकरी की? अपनी नौकरी की। लेकिन मैं तो नौकरी करता ही नहीं हूँ, फिर नौकरी की फिक्र कैसी? जिंदगी में कभी कुछ करने का सोचा होगा बेटा? शादी से पहले? अरे मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं भी बड़े काम की बात कर रहा हूँ अंकल। शादी से पहले बड़ी लड़कियां थी भाई के पास। तुम्हारे भाई के पास? नहीं नहीं, मेरे पास। बेटा मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, कभी तो सोचा होगा कि जिंदगी में क्या करना चाहते हो। हाँ अंकल, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी डीवीडी की दुकान हो और मैं किसी को डीवीडी किराए पे ना दूं। क्या? जी यार, आज नहीं कल रात को पार्टी रखते हैं। आज मेरे अंकल आए हुए हैं घर पर। एक सेकंड होल्ड कर। अंकल आप पीते हैं? आप क्या? नहीं नहीं, रहने दे, तू कल रात की पार्टी रख ले। ओके, टेक केयर, बाय टोनी। दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हें ये शौक भी है? नहीं नहीं, मैं तो कभी कभी दोस्तों से बात करता हूँ। छोड़े, आप क्या कह रहे थे? भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे ख्याल में एक मार्केटिंग पर्सन या सेल्समैन की क्या सैलरी होनी चाहिए? 4-5 लाख कम से कम। है? ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए, अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा होता और मेरे जो अंडर लोग काम कर रहे होते, मैं तो उनको इतनी तनख्वाह देता। बेटा जब भी तुम नौकरी करो मुझे जरूर अपने पास रखना। नो प्रॉब्लम अंकल, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, मैं आया।